हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी मित्रों। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आज से आप बहुत अच्छी जगह जुड़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल मैथ आपको सिखाएंगे स्टार्टिंग से। जीरो का लेवल का मतलब ये नहीं कि शून्य से शुरू करके, मतलब इसका ये कि एकदम बेसिक से लेकर के और एडवांस तक सब कुछ मिलेगा आपको, बस हमारे साथ बने रहें। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। सार्व का मीन्स होता है कॉमन, कॉमन तो आपने सुना होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ जी से बोलते हैं हिंदी में, हिंदी बड़ी गड़वी होती है, कड़वी मतलब जानते हो, बड़ी तीखी हिंदी है। अगर कॉमन फैक्टर मैं बोलूं और कॉमन मल्टीपल बोलूं तो आप समझ जाओगे, आपने सुना होगा कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर मैं सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ बोलूं तो बड़ा अजीब सा लगता है, है ना ये वर्ड। लेकिन ये वर्ड हिंदी में ही आएंगे आपकी बुक में, अगर आपके कहीं मिल जाते हैं, इनसे दर्शन हो जाते हैं तो टेंशन मत लेना। इनको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक, और इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ओके, चलिए परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टर देख लिया था पिछली क्लास में पार्ट नंबर 12 में, और आपने मल्टीपल भी देख लिया था, लेकिन अब आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखना और पूरा क्लास को देखना, देखिए क्या होता है समझना। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक दे दिया, नंबर कौन सा है, छोटा सा ले लूँ मान लो 6, और 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3, बोलो है ना, ठीक। एक मैंने ले लिया 8, 8 का फैक्टर अगर मैंने किया तो मान लो 2 × 4 कर दिया, ये भी ठीक है ना। यानी कि जो फैक्टर आ गए नंबर के वो आपके सामने हैं, किसके किसके, 6 के फैक्टर हो गए 2, 3 और 8 के हो गए 2, 4। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में जो कॉमन है वो फैक्टर कौन सा है, वो 2 है, 2 दोनों में कॉमन है ना भाई, 3 तो नहीं कॉमन हो सकता इसमें ना, बात समझ रहे हो ना। हाँ, इसे आप थोड़ा सा और क्लोज कर लो, ओपन कर लो, आपको अगर शंका लग रही तो ये लो फिर भी, लेकिन 3 तो नहीं आएगा ना। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो सार्वगुणनखंड आया, क्या आया सार्वगुणनखंड, वो कहाँ आया पता है, 2। यानी कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में वो 2 आया, यही होता है कॉमन फैक्टर, समझ गए ना। इस तरह से आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको खुद करना है, मतलब समझना है, टॉपिक समझना है, बातों को सीखना है, खुद से करना है, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक ना, ओके अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, 12 और 18 में सार्वगुणनखंड क्या होगा, चलो जल्दी बताओ। 12 और 18 में, 12 और 18 में देखिए कई नंबर भी हो सकते हैं, मैंने कहा 12 और 18, इसे आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 × 3, नहीं हाँ इसे आप 2 × 3 × 3 लिख सकते हो। इसमें अगर सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर बोला जाए तो क्या होगा मालूम है आपको, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन देखो 2 है और कोई कॉमन है क्या, 3 तो है नहीं, है 3 भी है ये लो। यानी कि इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि सीएम साहब इनके जो होंगे कॉमन फैक्टर, वो 2 और 3 हैं, अकेले नहीं है 2 और 3, या फिर आप 6 भी बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर हो गए, सार्वगुणनखंड हो गए, ठीक ना। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखना, वह संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाती हैं। इसी में सहभाज्य संख्या भी देख लो, ठीक है। 4 और 15 के सार्वगुणनखंड क्या हैं, इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्वगुणनखंड है। 7 और 16 का सार्वगुणनखंड क्या है, इनमें भी कुछ ऐसा ही है, इसको भी देख लो क्या है भाई सब, क्या कह रहा है ये सहभाज्य संख्या, हेडिंग डालो सहभाज्य संख्याएँ। यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना है, बुक नहीं देखना है कि आपकी बुक ख़त्म हो जाए बस, नहीं तो बुक ख़त्म करेंगे ना तो फिर हम बहुत तेज ख़त्म करते हैं, उसमें फिर समझ भी ना पाओगे क्या हो रहा है। इसलिए ईमानदारी के साथ में जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ो, और हमारी कोशिश होगी कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। क्या है वो सहभाज्य संख्याएँ, सुना होगा आपने सहभाज्य संख्याएँ, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोला जाता है। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। देखिए साथियों, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो वो
सहाभाज संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड हो सहाभाज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 और 15, 4 और 15 अगर 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख लो, 15 का करोगे तो क्या होगा, 15 का लिख दो 3 गुणा 5 गुणा 1। इन दोनों का अगर आप कॉमन फैक्टर देखो तो क्या होगा, ये 1 है केवल, बस बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1। तो ये 4 और 15 क्या है, इस तरह की संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ गए ना, सहभाज्य समझ गए ना। इस तरह के 3 एग्जाम्पल और कमेंट करना, सहभाज्य संख्याओं का 3 एग्जाम्पल बताना खुद से, ठीक ना, बता लोगे ना। चलिए 4 और 6 के गुणज क्या हैं, चलो अब हम गुणज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, गुणज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड तो हो गया, कहानी लगभग आप समझ गए ना, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये तो आप समझ गए ना, नहीं समझ में आ रहा जहाँ वहाँ कमेंट करके बताओ, तुरंत निसंकोच बताओ, बिल्कुल आप इसीलिए पढ़ रहे हो, आपका पूरा अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करो। 4 और 6 के हम क्या निकालेंगे अब, गुणज। गुणज का मतलब आप जानते हो, वही जो इसका पहाड़ा, यानी कि 4 दुना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ठीक, कुछ बुझा रहा ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रही ना, ठीक है। इस तरह 6 का देखो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 7 42। हाँ अब एक बात देखो यार, इन दोनों में कॉमन क्या होता है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, यानी सार जिसे बोलते हैं, है ना, कुछ कॉमन कि नहीं। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 इन दोनों में है, 18 इन दोनों में, नहीं 12 है, और कुछ है 24, हाँ 24 है, और कोई है 42, नहीं 32 नहीं। यानी कहने का ये मतलब है, ये तात्पर्य है कि इनमें जो गुणज हैं 4 और 6 के, वो कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं। देखो एक नंबर 12, एक 24 है, दोनों में है ना। हम देखते हैं कि 12, 24, 36 4 और 6 दोनों के गुणज हैं, 12 है 24 है, हाँ फिर 36 भी होगा, हमने गलत लिखा का भाई साहब, ये 36 भी तो होगा, तब 6 7 42 होगा, 6 8 48 होगा। कहने का ये मतलब है साथियों कि 36 भी दोनों में है, फिर आगे 12 12 के ही क्रम में बढ़ता जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, फिर 48 भी दोनों में होगा, इसमें 48 है, इसमें भी अभी आएगा, आगे जब बढ़ोगे तो 48 आएगा, ये सभी दोनों में है ना, तो इन्हें क्या कहलाते हैं, ये सार्व गुणज या कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। तो अब हम आपको कुछ संख्याएं देंगे, उनके कॉमन मल्टीपल आप खुद से बताओगे, समझ गए ना, कॉमन मल्टीपल जो संख्याएं दिख रहेंगी उनके पहाड़े लिखना टेबल आगे तक। पहाड़े का मतलब ये नहीं कि 4 धाम 40 हो गया ख़त्म, भाई 4 ग्राम में 44 भी होगा, 4 बराम में 48 भी होगा, तो आगे लिखते जाना बस। चलो ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, हम कुछ नंबर दे रहे हैं इनके, आप हमें 3 3 सार्व गुणज बताना। पहला संख्या है 12 और 16, दूसरा है 19 और 32, तीसरा है 18 और 16, और चौथा है 9 और 7। ठीक है, इनके हमें बताना, क्या बताओगे, कॉमन मल्टीपल बताना। ओके बता लोगे ना, तो ये हो गए आपके कॉमन मल्टीपल साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 3.4 का क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं। सार्व गुणनखंड बताओ भाई 28 और 20 का, 28 और 20 का सार्व गुणनखंड बताओ, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलो चलो श्री गणेश करते हैं, कर तो लोगे ना, अरे आप लोग करने में तो बहुत तेज है भाई साहब, बस सोच लें एक बार। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सार्व गुणनखंड बताओ, मैंने सिखा दिया है, आप बहुत अच्छे से सीख गए हो, 20 और 28 का बताओ, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर। अरे यार फैक्टर नाम सुनते ही तो आप लोग फैक्टर हो जाते हैं, ये
ये 2 × 4 पंचे 20, 2 × 4 सते 28। कॉमन फैक्टर, व्हाट इज कॉमन फैक्टर, सीख गए हो ना? तो बस लिख लो ना भाई साहब, फिर क्या इसमें क्यों शर्माने की बात है। ये कॉमन है ना दोनों में, ये वो तो कॉमन है ना भाई साहब। तो कॉमन फैक्टर यानी कि सी एम बराबर क्या है, 2 × 2, या फिर आप 4 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 4, ये कॉमन फैक्टर है। बात समझ गए ना? ये 2 + 2 लगाया हूँ मैं, ये नहीं 22 लिख दो, 22 लिख दोगे सत्यानाश हो जाएगा, और सत्यानाश होने के बाद कितना दर्द होता है आप समझ ही सकते हो, है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसलिए ऐसा मत करना, कॉमन लगा के लिखना या फिर आप गुणा करके लिखना, गुणा का चिन्ह लगा के, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कर लेना इसमें के जितने भी सवाल हैं, सुन लो। अगला नंबर है 15 और 25, उसका बताना मुझे, 15 और 25 का बताना, जैसे इन दोनों का मैंने बताया। एक और बताना, 56 और 120, 56 और 120 लिखो जल्दी से, कक्षा 6 में पहुंच गए हो, बच्चा नहीं हो छोटा सा, फटाफट लिखते रहो और फटाफट बताते रहो, सोचते रहो। अगला नंबर 35 और 50, क्या है 35 और 50? हाँ, जल्दी जल्दी खींच के लिखे रहो और फटाफट करते रहो। आप लोग कहते हो ना कि होमवर्क नहीं मिलता है, तो इतना वर्क इसमें मिल जाएगा ना, चाहे घर में करना चाहे दुआरे करना, ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन करोगे तब ईमानदारी से। अगला दूसरा कह रहा है सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड भी हमने सिखा दिया, अभी अभी यही सब तो बता रहे थे ना। हाँ, 3 3 नंबर हैं, 3 3 नंबर के सार्व गुणनखंड बताने हैं, 4 8 और 12। तो भाई जैसे 2 में था वैसे 3 में भी हो जाएगा, जैसे 2 वैसे 3, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। देखो इधर, जैसे हमने उसमें 2 का किया था वैसे इसमें कर लो, 4 8 12 ना। चलो सभी के गुणनखंड कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको भी कर लो, 2 × 2 × 3। क्या करना है? सार्व गुणनखंड बताने हैं, कॉमन फैक्टर कर लो। देखो प्यार से, इसमें ये है, तीनों में है ना, ये भी है, तो इनके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 2 × 2, बस 2 × 2, या 4 भी लिख सकते हो। तो ये हुई पूरी कहानी सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज की, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 सार्व गुणज, भाई प्रथम 3 सार्व गुणज कर लोगे कि नहीं? अरे यार, जब सार्व गुणज कर लोगे तो प्रथम 3 क्यों नहीं कर पाओगे? प्रथम 3 कॉमन मल्टीपल, अरे जैसे मैंने अभी उधर बताया था 12 36 और 39 ना, वैसे देखो कौन से नंबर हैं, नंबर हैं 6 और 8। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा में कह रहा कि प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात करो 6 और 8 की, 6 और 8। तो भाई 6 का पहाड़ा लिख लो यार, 8 का लिख लो, ये 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 6 का लिख लो, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। 3 लिखना है ना, मतलब 3 नंबर कॉमन हो जाए, बस यही बताना है, जहाँ तक 3 कॉमन हो जाए वहाँ तक भाड़ा लिखना बस। तो देखो पहला 1 तो कॉमन हो गया, 16, हाँ ना हो भाई, इसमें नहीं होगा ऊपर वाले में, तो क्या होगा, 24 से शुरू होगा, फिर 24 के बाद आगे कहीं एक 48 आएगा, देखना 48 इसमें भी आएगा। अभी जान लो, इसी पहाड़ा पढ़ लो, जो नंबर पहले कॉमन हुआ उसी पहाड़ा पढ़ते जाओ, 48 के बाद क्या होगा पता है, आगे जाके कहीं 72 होगा, दोनों में मिलेगा 72। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जो 3 सार्व गुणज होंगे, प्रथम 3 सार्व गुणज होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे, वो होंगे 24 48 और 72, ठीक ना, बात समझ गए। इस तरह तीसरा कर लोगे। चौथा कह रहा, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्व गुणज हैं। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के क्या हैं, सार्व गुणज हैं। कर लोगे, सिंपल सी बात है यार, सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड अगर समझ गए तो मुख्य तो यही है, इनको आप कर लेना, ठीक है। तो आगे पांचवा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने बता दिया, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के सिवा और कोई ना हो,
वो को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, अन्यथा नहीं कहलाएंगी। इनको सबको छांट लेना, ठीक है? बुक नहीं तो लिख लो। पहला है 1835, पहला 1835, बताओ 1835 है कि नहीं, को प्राइम नंबर है कि नहीं, बोलो यस या नो। 18 और 35 को प्राइम है। चलो दूसरा ट्राई करो, 1537। तीसरा 30415। चौथा 1768। पाँचवा 216215। छठा 81 और 16। इन सब को बताओ, ट्राई करो को प्राइम नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो ध्यान देना, कह रहा कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या है जो 5 और 12 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? भाई 5 से भी कट रही, 12 से भी कट रही, तो किस अन्य संख्या से ये हमेशा कटेगी? उस संख्या से कटेगी जो 5 और 12 का गुणज होगा। यही तो ना, कि नहीं? करके देखना। जैसे 60 से काट के देखना। जैसे 5 और 12 दोनों से कह रहा कट रही ना, पूरी तरह से विभाज्य है, तो 60 को देख लो, 60 5 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। 120 करोगे, 120 भी दोनों से कट जाएगी। मतलब कहने का 5 और 12 का आपको गुणज निकालना है, मल्टीपल निकालना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? एक संख्या ऐसी है जो 12 से विभाज्य है, तो और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे ये विभाज्य होगी? भाई सिंपल सी बात है यार, 12 से अगर कट रही जो संख्या, इसका मतलब वो 12 से बड़ी ही होगी। 12 से छोटी तो होगी नहीं, क्योंकि अपने से छोटी रहेगी तो कटेगी नहीं, 12 से बड़ी होगी। और बड़ी होगी तो कह रहा है और किन किन संख्याओं से कट सकती है? 12 से कट रही तो फिर क्या, इनके क्या करोगे आप लोग? गुणज निकाल लेना और गुणनखंड भी निकाल लेना, फिर बताना। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बताना, सिर्फ गुणज और गुणनखंड, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल पर आधारित ये पूरा चैप्टर था। ये 3.4 आपका खत्म हो चुका है, इस तरह से आपका पार्ट नंबर 13 भी खत्म हो चुका, 13 नंबर पार्ट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके लिए। आप अपने विचारों को कमेंट करके बताइएगा। आपसे एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि अगर इसमें कुछ समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों में फैला दो, खूब शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी हो सके हर जगह शेयर करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू जाएंगे, बहुत से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो हम आपके लिए फ्री का सारा जीरो लेवल मैथ यूट्यूब पे उपलब्ध कराएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वही पेमेंट वाली चलेगी काम, ठीक ना? तो इसलिए अगर चाहते हो कि फ्री में सब पूरा मिले आपको, तो आप निसंकोच शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए देखते रहें आपके अपना PBR स्टडी। कोई भी सुझाव है तो आप हमें निसंकोच बताएँ, ठीक है?